तो मुझे प्लेन और चॉकलेट वाली पेस्ट्रीज बहुत पसंद है। तो गाइस ये देखो, इसकी डेकोरेशन इतनी मस्त है, मन पूरा दिल। और गाइस उस तरफ है नेस्कैफे, उधर ही गई है, थोड़ा पुरानी सड़ी तरक्की हुई पेस्ट्री दी है उन्होंने। वेलकम टू जीनत व्लॉग्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस अभी दिन हो रहे हैं और मैं दिन को व्लॉग शूट कर रही हूँ। सुबह से बस पंगे कर रही थी साइमा के साथ, तो आज मुझे जाना है बाहर किसी काम से नगरोटा वाली साइड। तो मेरी साड़ी एक्चुअली मेरी किसी फ्रेंड के पास, तो वो मैंने पिक करने जानी है। तो उससे पहले मुझे साइमा किचन में बुला रही है, देखते हैं क्या बोल रही है, पक्का कुछ पंगे कर रही होगी। तो गाइस मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ घर से ट्यूशन के लिए। आज मैंने कुछ इस टाइप का आउटफिट पहना, सिंपल। और तो गाइज मैंने जाना है पहले ट्यूशन, देन उसके बाद चलते हैं हम कहीं घूमने। तो पहले फटाफट से पढ़ते हैं, एग्जाम्स भी आ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, इतनी टेंशन है यार। लिखूंगी क्या एग्ज़ाम में, कि मैं ब्लॉग में ये बोलती थी वो बोलती थी, पता नहीं यार। बट मेरे असाइनमेंट्स भी अभी पेंडिंग है, वो भी बनाने, वो तो मैं बनाती रहती हूँ जब टाइम मिले तो। लेकिन मैक्सिमम मैं ना ऐसे लेटर मस्त हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे, लेकिन अगर मैं पढ़ती हूँ तो बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। मेरा कंसंट्रेट बिल्कुल पढ़ाई की तरफ होता है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता ध्यान मेरा। लेकिन जब मैं नहीं पढ़ती तो कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, कुछ भी नहीं पढ़ती। तो गाइस अभी चलते हैं सीधा ट्यूशन, सीधा ट्यूशन से आपको मिलती है। ओके बाय बाय। तो गाइस आ गई हूँ मैं ट्यूशन से वापस, अभी चलते हैं यहाँ से नगरोटा, जो काम था पहले वो पूरा करते हैं, ठीक है। तो निकलते, मैं कितनी पागल हूँ ना, मैंने लास्ट वाले क्लिप शूट किया मास्क में, जैसे मैं ट्यूशन से आई फिर मुझे याद है यार मैं तो मास्क में क्लिप शूट कर रही थी, मास्क उतारा ही नहीं मैंने, तो फेस से बेवकूफ़ है कोई। गाइस साड़ी वाड़ी लेके मैं आ गई थी घर, रास्ते में व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। और एक नई बात मैं आप सबको बताती हूँ, साइमा आज के बाद व्लॉग में फेस नहीं दिखाएगी, क्योंकि पहले जितने भी मैंने व्लॉग्स में इसका फेस डाला है ना, लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। नहीं गाइस जस्ट किडिंग, इसको नज़र लग जाती है, इसको किसी पीने वाला शक्ल नहीं दिखाना। तो गाइस मैं सो गई थी, पता नहीं क्या हो गया, डंगर हो गया मैं, पता नहीं क्यों दिन को नींद आ जाती है इतनी। मैं सोई हुई थी, जस्ट उठी हूँ अभी शाम के, देख लो 7 बजे, मौसम देखना पीछे मस्त लग रहा होगा ना, है भी मस्त, ना ठंड है ना गर्मी है, पता नहीं क्या मौसम है। मैं छत पे आके मैं सब व्लॉग शूट कर लेती हूँ, इतनी नींद है ना क्या बताऊँ, जैसे मुझे किसी ने नशे की दवा खिला दी है, नशे की मेडिसिन खा गया मैं, जैसे टुन हूँ ऐसी वाली नींद। तो गाइस मौसम देखो आप, ला 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 ला, वो म्यूजिक, वो वीडियो शूट होती है ना ऐसे दुपट्टा होता है। तो गाइस लग रही हो बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं पहले जाके मुझे चाय पी लेती हूँ। तो ओके स्टे ट्यून्ड। तो गाइस बहुत भूख लग रही है, हम मैं बनाने लगी हूँ मैगी में जीनत, आज मैं बनाऊँ मैगी, मैं बिल्कुल मस्त मैगी बनाती हूँ ना, अच्छी शाना जी तेरे पे नहीं लाया था। फिर क्या हो गया, आवाज़ में आवाज़ शक्ल नहीं ला रही मेरी तरफ है कैमरा। तो मैं चली मैगी बनाने, हम 3 बंदे 4 पैकेट मैगी खाएंगे। हाय 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 मैगी, किचन में चलते हैं, क्यों दिन क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मैगी खाने का, धनिया के बिना मैगी खाने का मन नहीं करता। मेरा फेवरेट धनिया और पुदीना, दोनों पुदीना डालते नहीं है मैगी में, बचपन में मैं ये खाती होती थी, बट टेस्ट गाइस सत्यानाश हो गया, मम्मा से डांट पड़ेगी, मैगी देखना खांग खांग थी, गंद डाल दिया। तो गाइस बन गई है टेस्टी टेस्टी मैगी, जीने फुला उसके हाथों से अभी सर्व करते हैं। बेड पे इन ये डंगर नीचे खाएंगे टेस्टी, बराबर कर, इधर कत्ल लगा सकते हैं बराबर है, बाकी नहीं बराबर जासूस, देखा कितनी वो है सही में, आज छोटे छोटे कर दूंगा कोई नहीं, रुक ना भुखड़े तू
गाइस मैं अपने ही रिएक्शन लेने लगी हूँ मैगी, अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया गैस की यार, उनकी शक्लें ही नहीं ना ला सकती, नहीं लाती लोग अनसब्सक्राइब करते कितनी टेस्टी बनी है ना, मेरे हाथ में टेस्ट है, पता क्या हुआ मैं मैगी खोलने लगी ना ऐसे खोली ठल करके पूरी जगह मैगी मैगी, तेल में भी मैगी, बीच में थोड़ी सी ओस खड़ी हुई होगी पापा को थोड़ी सी बस बाहर और थोड़ा बाहर जा रही हूँ वीडियोज वगैरह बनाने और थोड़ी रील्स वील्स बनाने के लिए मैं थोड़ा आगे जा रही हूँ। गाइस मैंने सेम वही वाली टी शर्ट पहनी क्योंकि ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, मुझे वैसे तो रेड कलर पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट ऐसी ये टी शर्ट मुझे पता नहीं क्यों बहुत क्लासी लगती है, इसीलिए मैं यही मतलब मुझे पसंद आई तो मैंने दूसरी बार भी यही पहन लिया, मतलब मैं पहनती हूँ ऐसी बात नहीं है बट कोई कोई कपड़े होते हैं जिनको मैं बार बार रिपीट करती हूँ। तो गाइस अभी हम चलते हैं यहाँ से रील्स वगैरह बनाने, आपको उसी लोकेशन पे जाके मिल गई। तो गाइस अभी मैं हूँ 39 बेकर्स में जो कि सित्रा में है और मतलब अभी आज फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे, पहले नहीं आई, सुना था यहाँ पे खुला है मतलब नेस कैफे तो मैं बहुत बार आती रहती हूँ, उसके बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे, यहाँ बाहर से नेस कैफे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देखो इसकी डेकोरेशन भी मस्त है, मन पूरा दिल आ गया इस पे, मन कर रहा है खरीद लूँ, आप भी खरीद सकती हो। जस्ट किडिंग गाइस, तो खाते हैं पेस्ट्री। तो मुझे प्लेन और चॉकलेट वाली पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, या तो फिर स्ट्रॉबेरी वाली हो बट ड्राई फ्रूट के बिना मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। और गाइस यहाँ पे मतलब सीटिंग एरिया बहुत है, एक ये वाला रूम जैसा है और इसके अपोजिट ही है एक वहाँ, और थोड़ा सा यहाँ बाहर भी है बैठने वाला, सो मस्त है बिल्कुल मस्त। तो अभी मैं पेस्ट्री खा रही हूँ, खा के रिव्यू दूंगी, ऐसे मत आना यहाँ पे जब तक मैं बताऊँगी नहीं कैसा है, तो खाते हैं देखते। और गाइस उस तरफ है नेस्कैफे, उधर ही गई है, थोड़ा सा उसका पाँव शाँव दिख रहा होगा, और यहाँ बाहर ये बैठने वाला एरिया और जैसे कि मैंने आपको बताया था अंदर भी है। और गाइस यहाँ की पेस्ट्री बहुत बेकार है, प्लीज़ यहाँ पे जब आओगे पेस्ट्री मत खाना, खास करके चॉकलेट पेस्ट्री, यहाँ पे आप देखो छड़ी हुई तरक्की हुई पेस्ट्री दी है इन्होंने, यहाँ पे जब भी आओगे कुछ और खा लो, देखते हैं अब कुछ और ऑर्डर करवाते हैं, बट ये यहाँ की पेस्ट्री बिल्कुल बेकार है, अभी वो जो आएगा लेने वाला उसको भी मैं बोलूँगी पेस्ट्री बिल्कुल बेकार है, अच्छी नहीं है। तो गाइस अब मैंने ये मंगवाया है लेमनेड, अब देखते हैं कैसा है। बाद में बताऊंगी। तो गाइस हमने खा पी लिया और अब जा रहे हैं, तो जब भी आओगे यहाँ पे जरूर विजिट करना, बहुत ही अच्छा था सब कुछ, पेस्ट्री भी अच्छी थी, लेमनेड तो उससे मस्त था, म्यूजिक है। तो जब भी सीधा आओगे यहाँ पे विजिट जरूर करना, मैं बिल्कुल मजाक कर रही थी कि पेस्ट्री अच्छी नहीं है, पेस्ट्री बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से रील्स शूट करने, तो मैं चाहती हूँ रील शूट करना, फिर मेरी प्यारी प्यारी सी रील आप इंस्टा पे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इंस्टाग्राम का, जरूर जाकर मुझे फॉलो कर देना और प्यारी प्यारी सी रील्स देखना। तो फिलहाल चलते हैं। तो गाइस मैं आ गई थी घर और आते साथ ही सो गई थी, इतनी थकावट हो रही थी, इतनी नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, इतना ही था मेरा व्लॉग, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, मेरे प्यारी प्यारी वीडियोज देखने के लिए इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे zenith_vlogs करके चैनल है और मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी उसका। सो ओके टेक केयर। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल।